आज की जो है हमारी जो क्लिप्स वीडियोस है ये है कॉन्फिडेंस से अटैच है। कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर जो छुपा हुआ होता है इसको बस छुपा ही रहता है, ये दिखा नहीं पाते हैं। पर अगर हम आप लोग जैसे आते हैं, आप लोग आते हैं, हम आते हैं, अगर आप लोग जैसे यहाँ सेंटर खोले, दरवाज़ा खोले, अगर मेरा चेहरा मुरझाया हुआ मिले आपका तो आपको क्या बीतेगा? तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी होगी। हमको देखना ही होता है सामने वाला भी कितना कॉन्फिडेंटल है और हम कितने कॉन्फिडेंटल हैं, हमें ये भी देखना पड़ता है। जहाँ बैठें वहाँ बैठना भी मेरा वसूल होना चाहिए। हम लोग के चेहरे भी आइनों की चेहरा ईश्वर का बनाया हुआ होता है, लेकिन हम लोग के चेहरे अपने आप ही से एक तेज वाला बार बार एब्रो ऊपर नीचे, यस, जबकि अपने आप लगे कि हाँ हम सुंदर लग रहे हैं, मतलब वैसा बनाए। रिएक्शन, चलने का भी अंदाज दूसरा होता है, कपड़े पहनने का अंदाज, एक हाथ जेब पैंट की जेब के अंदर, तिरछे खड़े होना, तिरछा बैठना, पैर पे पैर रख के बैठना, स्मार्ट, मतलब कैसे दिखाई पड़ना, ये सब कॉन्फिडेंस में डिपेंड करता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर करोड़पति बन गए मान लिया और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारा जितना पढ़ाई लिखाई है, जितना भी हमारे पैसे हैं, बेकार लगते हैं। अगर हमारा पहनावा, हमारी बोली बातचीत, हमारा जो एटीट्यूड है अच्छा नहीं है, तो कॉन्फिडेंस को कहते हैं कि कॉन्फिडेंस एक डेमो हम बताते हैं, एग्जाम्पल हम बताते हैं। एक इंटरव्यू हुआ, कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो बच्चा बहुत पढ़ लिखा नहीं था, उसके पास कॉन्फिडेंस खाली था, और उस इंटरव्यू में कहा गया था कि केवल वही बच्चा अप्लाई फॉर्म को करे जो बच्चा MBA हो और या सेलिंग अच्छा जानता हो या कुछ चीज़ को बेचना खरीदना ये अच्छा जानता हो। तो उसने कहा मेरे कॉन्फिडेंस है, मैं इस फॉर्म को भरूंगा और मैं वहाँ तक ही पहुँचूंगा जिसको मांगा गया है। जब ऑफिस पहुँचता है तो वो कहता है कि आप तो, जब फाइल जमा करते रिज्यूम दिया था उसको, कहता आप तो खाली इंटर पास हैं, मैंने तो आपने पूरा लगता अपने फॉर्मेट क्वालिटी से पढ़ा नहीं था, मैंने MBA आदमी को मांगा है और मैंने, आप तो खाली इंटर पास हैं, आपको नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको MBA चाहिए या कुछ और भी काम करना है? काम क्या करना है? खाली मैनेजमेंट का नहीं, वो सेलिंग काम भी करना है, बेचना भी है और मैनेजमेंट भी करना है। कहा आप हमें रख लीजिए और मैं बेचने का सारा काम मैं करूँगा, ऐसे बोले। तो कहा आप बेच कस लेंगे? आप तो खाली इंटर पास हैं, मुझे आपको विश्वास नहीं हो रहा। बोले विश्वास नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस है। कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपसे। कहा ठीक है, अच्छा आप मुझे एक महीने के बाद तो मुझे तनख्वाह देंगे, आपने रख लो, मुझे रख लो, अगर समय में ना आए मुझे तनख्वाह मत देना एक महीने के बाद में। भाई इसको रख लिया जाता है। तो रखने के बाद में अब दो चार दिन बीत जाते हैं, तो वो उस जो ऑफिसर जिसने रखा था उसके पास हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आया करती है, आज इस काउंटर से कितना बिका, उस काउंटर से कितना बिका, तो ये रिपोर्ट्स आया करती हैं। अब वो रिपोर्ट्स चेक कर रहा था तो देखा जो अभी लड़का लेटेस्ट रखा गया इंटर पास वाला रखा है, उस पर कॉन्फिडेंस वाइज था, उसका रिपोर्ट चेक करता है, यार बहुत सा सामान बिक गया। तो आप उसने कहा तो इंटर पास वाली था और इतना सामान कैसे? तब वो उठता है अपनी कुर्सी से और उस जो है गोडाउन में पहुंचता है जहां उसको अपॉइंट किया गया था। तो वो छुप के देखता है, छुप के देख ये रहा होता है कि एक आदमी को कोई सामान बेच रहा होता है। सामान क्या होता है? वहां हर टाइप का सामान बिक रहा था, दुनिया के जैसे बिग बाज़ार नहीं होती है, इस टाइप का बिक रहा था। तो वहां एक कांटा जो मछली को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, कांटा, वो कांटा जो है वो बेच रहा था। वो बेच ऐसे रहा था, सर उसका अंदाज होता, सर ये कांटा इतना स्ट्रांग है कि जब मछली के अंदर फंस जाता है, अगर मछली खूब हिलेगी भी तो भी सर ये कांटा उसके पास से निकलेगा नहीं। ये फ्लेक्सिबल कांटा है, ये बहुत अच्छे खास लोहे से बनाया गया है, ये लोहा विशेष तापमान में तपा है। तो अंग्रेज था भी खरीदने वाला, उसने कहा रही ये तो बड़ी तारीफ कर रहा है, कहा इसके 10 पीस लाइए। एक लेने आया था वो 10-10 ले रहा। वो उसने खाट से कहा कि नौकर फौरन से पैक करिए इसको, अब पैक हो रहा है। जब वो पैक हो रहा होता है तो बड़ा, अब वो चल दिया वही जो था अंग्रेज जो खरीद रहा था, जो कस्टमर चल दिया वो। तो उसने कहा सर आप कांटा लेके जा रहे हैं, सर मछली तभी फंसती है जब वो कुछ आप दिखाएंगे कांटे के साथ में, ऐसा करिए आप आटा भी लेके जाइए। सर आटा ये ऐसा आटा है, इसके अंदर खुशबू आती है, ये स्पेशली मछलियों के लिए बनाया गया है, जैसे ही आप कांटे के साथ डालेंगे उसकी खुशबू पानी के अंदर फैल जाएगी और वो आपकी कांटे के ऊपर की तरफ आकर्षित हो जाएगी और मछली उस खाने के बहाने आप तक ही पहुंचेगी और उसको आपको कांटे के साथ में वो भी फंस जाएगी आटे के साथ में। उसने कहा यार क्या आदमी यार है, बहुत बढ़िया से दिमाग की बात करी है, खुद खाना चाहिए। अब वो उसको कहता है आप ऐसा करिए 2 किलो 4 किलो उसको आप पैक, कितने रुपए का? 500 रुपए का उसको पैक करवा देता है। भाई ठीक, फिर वो जल्दी होता है।
कह सर, आप जो है आटा लेके जा रहे हैं, आप कितने कीमती जूते पहने हुए सर हैं। अब था वो इंटर पास का, कितने कीमती जूते। आज आप वहाँ पानी के पास खड़े होंगे तो इसका जो पानी की जो मछली पकड़ेंगे तो इसका जो है जो बूंदे होंगी वो जूते पे पड़ सकती हैं। तो ऐसा करिए कि आप इसके अंदर स्पेशली एक अलग टाइप के लेदर जूते बनाएं, लेदर के, इसको पानी के पड़ने पर भी फूलेंगे नहीं। कहा यार क्या दिमाग पे इसने, मैं वहाँ बैठूँगा वहाँ पानी के जूते में इतने कीमती ख़राब होते हैं, तो क्यों ना ऐसे जूते परचेस कर लिए जाए जो पानी से ख़राब नहीं हो। कहा ठीक है, इसको भी लाइए। भाई कहा फिर पैक करो। अब तीन चीज़ें हो गई हैं। अब फिर चल दिया, बोले अब क्या। बोले सर आप कितने खूबसूरत हैं, गोरे चिट्टे हैं, जहाँ मछली पकड़ रहे होंगे सर तो सर ऐसा नहीं हुआ पर रंग पर, क्योंकि वो आधे घंटे में मछली आती है, वो तो उसकी मछली की अपनी मर्जी, तुरंत आ नहीं जाएगी, देर सवेर आएगी। ऐसा करिए आप मछली के साथ साथ में आप ये अम्ब्रेला रख लीजिए, ठीक है। अरे क्या दिमाग पाया, वाकई टाइम तो वहाँ लगना ही हमको है, तो उसको अम्ब्रेला भी सौंप देता है। कहा सर अभी बात ख़त्म नहीं हो रही सर, सर आपका चेहरा स्किन शार्पनर कुछ कमी ना आने पाए, एक विशेष धूप की सन क्रीम भी बनाई गई है, वो भी आप लेके जाइए। कहा बहुत समझदार आदमी, तो सन क्रीम प्रेशर कर लेते हैं। अब वो फिर चलाता है, फिर होते एक्सक्यूज भी सर, कहा आप क्या बचा। कहा आप क्या। कहा सर जब मछली पकड़ रहे होंगे आप तो सर उस वक्त देर से आई, आप अम्ब्रेला भी लगाए बैठे होंगे और जूते भी उस टाइप के पहने बैठे होंगे, तो सर कुछ खाने पीने का समय तो होना चाहिए सर, क्योंकि कुछ टाइम लग सकता है सर मछली आने में। तो कहा क्या। कहा कुछ चिप्स, कुछ कोल्ड ड्रिंक, कुछ जूसेस आप ले लें ताकि आप इंजॉय करते हुए मछली पकड़ लें। बोले क्या दिमाग पाया यार, ये तो बहुत समझदार आदमी। तो उसने जूसेस भी ले लिया। अब ठीक है, उसके बाद में जब जूसेस तक ही हो गया, अब वो आगे बढ़ा, फिर उसने पीछे घूमा। अब उसका ये सब कुछ देख रहा, उसका माली देख रहा था कि यार कैसे बेच रहा है। फिर एक्सक्यूज भी, अब आके माली पकड़ता मुँह दबा लेता उसका। कहा यार तुमको तो यार मान गए, तुम तो इंटर पास वाले थे, आप तो उसको जान लो यार, तो जब वो काड़ा लेने के लिए आया था और तुमने उसको चिप्स दिलवा दिया, जो अम्ब्रेला दिलवा दिया, जूता दिलवा दिया, इतना कुछ दिलवा दिया है, खाना दिलवा दिया है, आप तो जान दो यार, उसको उसको बख्श दो यार उसको। अब कुछ नहीं, चला गया और उसकी जो फीस उसकी हुई करीब 4,000-5,000 उसके ऊपर जो है बिल उसका बना और उसका पे हो गया। आखिरकार उसने कहा तुम यार इतना समझदार हो, तुम इंटर पास हो, तुम्हें इतना अच्छा, तुम्हें सीखा कैसे तुम्हें, और तुमने कितना बड़ा काम कर दिया कि वो लेने आया था कांटा और तुमने इसको दिलवाया चिप्स, जूसे, जूते और आटा और सब क्रीम और अम्ब्रेला सब कुछ दिलवा दिया, तुम कितने बुद्धिमान हो, लेने क्या आया था यार कितना, सिर्फ कांटा। कहा कौन का मकत का, वो लेने आया था कांटा, वो लेने आया था अखबार। तो कहा अखबार लेने आया था तो आप एक कांटा कैसे बिक पाया। बोले मैंने उसको समझाया आज संडे है, बेकार में आप अखबार पढ़ोगे। बेकार में अखबार पढ़ोगे, आप जॉक मछली मछली पढ़ो, ठीक है। तो मैंने उसने इसको कांटा मोबलाइज किया था, वो अखबार लेने आया था। इसकी मीनिंग क्या होती है, ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बारे में हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर हो तो हम लोग एक गंजा, जो प्योर गंजा जिसके एको सर में बाल ना हो, उसको भी इतना अच्छा बेवकूफ़ बना करके उसको कंघी तक ही भेज सकते हैं। कंघी विशेष कंघी है, बड़े मंत्रों से लाई गई है। इसको पहले आप लगाएंगे, एक बार सीधे, एक बार उल्टे, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, लेकिन इसको आप जिस तरीके से मैनुअल हम दे रहे हैं, आप कॉपी दे रहे हैं, आप दिन में इतनी बार ही लगाएंगे इसको आप। अगर आपने एक बार भी तोड़ा तो बाल फिकर शिकायत ना करिएगा हमसे, और चाहे लिख लो, नोट कर लो, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो कि 6 माह में बाल निकल आएगा। अगर वो 6 महीने के बाद भी कंप्लेंट करने आता सर बाल नहीं आए मेरे, 6 महीने में तो बाल आ ही जाएंगे, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं सर आपने जो कंघी थी, जो तरीका हमने जो डेमो समझाया था उससे हट के आपने लगाया होगा, पक्का कुछ गलती करी होगी। अब तो आपको कंघी लगने के बाद आपकी वो जो क्वालिटी में कमी आ गई है, तो अब आपको 1 ईयर करवाना पड़ेगा, ठीक है, तो ही बाल आपके आएगा। तो क्वालिटी होती है मैनेजमेंट करने का, कैसे हम दूसरे को एक इतने अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें कि उसको जो है अपनी चीज़ को हम सेल आउट कर सकें, उसको कॉन्फिडेंस से बेच पाएँ उसको। तो ये था कॉन्फिडेंस, थैंक यू। ओके।